नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और एक बार फिर से हाजिर हैं म्यूज़िक दुनिया सारेगामी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आए हैं एक नई वीडियो। वीडियो में आज बताएंगे अगर आपके कपलर में कुछ फॉल्ट होता है। जनरली कपलर में ऐसा कुछ फॉल्ट होता नहीं है, लेकिन कपलर का फॉल्ट आज हम ठीक करेंगे। कपलर में प्रॉब्लम ये होती है हारमोनियम के अंदर, ये एक डेमो पर्पज हारमोनियम मैंने खोल के रखा है। तो इसमें क्या है, जैसे आप ये चाबी प्रेस कर रहे हो तो उधर का चाबी ना उतना ज़्यादा प्रेस नहीं होता और पता भी नहीं चलता कपलर कितना काम कर रहा है। आप दबाओगे हल्का सा भी नहीं दबेगा वो, क्योंकि धीरे धीरे जो इसके जो वायर होते हैं मेटल के, वो उनमें जो जो दिया होता है कर्व जो दी होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है समय के हिसाब से। अब ये इतना इसलिए दब रहा है क्योंकि मैंने इसका ठीक कर दिया है। तो मैं सोचा कि अपने मित्रों को मैं बता दूँ कि कपलर का भी, कपलर में जो प्रॉब्लम होती है उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है, मैं आपको बता दूं, अभी वीडियो की जो मैंने शुरुआत की, मैंने आधा लगा दिया था इसको। इसमें आप जो देख पा रहे हैं, मैं पॉइंट करता हूं, आप ठीक से देखेंगे, ये यहां पे, ये मेरा कैमरा है, यहां पे आप देख पा रहे हैं यहां एक स्क्रू लगा है, ये जो पूरे कपलर को मैं एक बार जूम करता हूँ, जूम नहीं हो रहा है, ये पूरे कपलर देखो, ये देख लीजिए, ये ऐसे पूरे के पूरे कपलर को उठाता है। एक बार फिर से मैं दिखा दूं, सारी स्प्रिंग्स ठीक होती हैं, लेकिन ये जो एक मेन जो वायर होता है जिसका कनेक्शन सीधा यहाँ से होता है, इस हैंडल से, जो ये हैंडल का कनेक्शन सीधा यहाँ रहता है, जब ये इसमें जो कर्व होती, ये क्या है, इसको उठाता है, इस पलड़े को ऐसे ऊपर की तरफ उठाता है, और जिससे क्या है, ये कपलर काम करना शुरू करते हैं। जैसे अभी कोई कपलर काम नहीं कर रहा है, इसका मैं स्प्रिंग लगा देता हूँ, जैसे अभी इसका कपलर बिल्कुल काम नहीं कर रहा। तो होता क्या है, जनरली यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि जो इसका जो ये वाला लीवर है, जो आप देख पा रहे हैं, मैं आपको इसमें, मुझे नहीं पता आपको, ये जो वाला लीवर है, ये वाला जो है, जो ऊपर नीचे हो रहा है, देखो ये कर रहा है, इसको आप यहाँ से स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लेंगे ऐसे करके, और थोड़ा साइड से, या आप इसको आप यहाँ से हल्का सा इसमें कर्व को ऊंचा कर दे, हल्का सा मतलब और बढ़ा देंगे इसकी कर्व में जो है ना, ताकि ये और ज़्यादा ऊपर उठे। तो ये थोड़ा सा जितना ये पहले क्या है ना, ये धीरे धीरे दब जाता है, कम उठना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। जैसे हम चाबी प्रेस करेंगे तो स्प्रिंग का पावर रहता है, तो धीरे धीरे उसमें जो कर्व है, जो आंट रहती है, वो कम हो जाती है। तो आप क्या करेंगे, इसमें हल्का सा आठ जो इसमें घुमाव है उसको और बढ़ा देंगे, हल्का सा ऊपर की ओर उठा देंगे, ताकि इससे क्या है ना, ये पलड़ा और ज़्यादा ऊपर उठ जाएगा हल्का सा, जो हल्का उठने से ही इसमें फ़र्क आ जाएगा। जैसे अभी आप, मैंने इसको पहले से उठा दिया है, तो आपको क्या है, इसके लिए आधा आधा कपलर या कीज निकालनी पड़ेगी यहाँ से। आप पूरी की निकालें, पूरी की निकालने के बाद आप इसको हल्का सा घुमा दें, और कभी भी की जब आपको लगाएंगे, आप निकाल के इधर से भी सकते हो, लेकिन राइट साइड से हमेशा लगा लें, जिधर की साइड कपलर लगाओ, तो आप इधर से वापस लगाना शुरू करें, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लेफ्ट साइड से लगाएंगे नहीं लगेगी, तो आप राइट साइड से कीज़ को वापस लगाएं और इसमें हल्का सा घुमा दें। जनरली कपलर में यही प्रॉब्लम होता है और कुछ नहीं होता। कभी कभार क्या होता है, इसमें जो लगी है, इसमें क्या है, जंग वगैरह लग जाती है, रस्ट वगैरह, तो उससे ये थोड़ी हार्ड चलने लगती हैं। तो हार्ड से भी क्या है ना, चाबी में मतलब उतना तुरंत वापस नहीं आ पाती, तो जिसकी वजह से पी 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 की आवाज़ आती रहती है कपलर हारमोनियम में, क्योंकि ये इसको पकड़ लेता है, जो ये वाला हिस्सा है, ये यहाँ पे लगी बुश टाइप की जो बनती है, ये हर एक के बीच में, ये स्मूथली मतलब ऊपर नीचे होनी चाहिए, स्मूथली आराम से। जनरली ये क्या है, जब पुरानी हो जाती है तो रस्ट लग जाती है, या फिर नए में कई बार टाइटनेस होती है, तो उससे भी चाबी ठीक से ऊपर आती नहीं है प्रॉपरली उतना जल्दी से, क्योंकि इसका स्प्रिंग का पावर उतना होता नहीं है, और उस पार से वो ऊपर नहीं उठ पाती है। तो उसमें भी आप क्या करें, खोल के हल्का सा इसमें ऑयल दे दें, नारियल का ऑयल दे सकते हैं, या कोई आपका वैसा कुछ ऑयल हो तो हल्का हल्का सा इसमें ऑयल लगा दें, देख लें कोई टाइट तो नहीं है। अगर टाइट है 100% जिनके हारमोनियम में अगर कपलर है और उसमें चाबी प्रेस होने में या हल्का साउंड आ रहा है, तो वो कपलर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो दो चीज़ मैंने आपको बताई, तो कपलर में ये प्रॉब्लम होती है कि कई बार चाबी को ऊपर फेंकता नहीं है ठीक से, वो हल्की हल्की साउंड आती रहती है, क्योंकि वो ठीक से ऊपर उठी नहीं है चाबी, स्प्रिंग का जो ये पावर है उसको यूज़ नहीं हुआ, उसको पावर को न्यूट्रल कर दिया। तो एक तो ये प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम कि कर्व कम हो जाती है, जिससे कपलर का ठीक से काम नहीं करता। जैसे अब मेरा कपलर बिल्कुल ये मैं अपना कपलर दिखाता हूँ, ये ऑन कर दिया कपलर, अब मेरा कपलर देखो एकदम प्रॉपर, देखो
इतना ही करना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं, ये इतना तो फिल्म सिंगल है। और देखो दूसरा देख लेते हैं, देखो पूरा काम कर रहा है। जनरली क्या है, धीरे धीरे समय के हिसाब से ये कपलर काम ही नहीं करता है, धीरे धीरे मतलब बंद हो जाता है काम करना। देखो ये देखो इतना काम कपलर करना चाहिए ताकि लास्ट तक की चाबी पूरी प्रेस हो। देखो अभी इतना दबाने से प्रेस नहीं हो रही है, इतना आप दबाएंगे हल्का तो कपलर काम नहीं करेगी, थोड़ा सा ज़्यादा दबाएंगे तो कपलर काम करना चाहिए। तो जनरली लोगों के हारमोनियम्स में कपलर काम करना उसका कारण यही है, जो मैं आपको एक बार फिर से, ये वाली कर्व जो आठ दी हुई है इसमें घुमाव है जो इस वायर में, इस घुमाव को आप हल्का सा और बढ़ा दें ताकि ये ज़्यादा, ये पलड़ा है जो कपलर वाला ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा उठ सके। तो ये जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया था। तो दोस्तों आप ज़रूर बताएं, किसी तरह का और फॉल्ट आपके अंदर है तो आप हमें कमेंट्स करें ज़रूर बताएं, ताकि उस तरह की वीडियो फिर हम आपके लिए अपलोड कर सकें। तो कपलर से संबंधित ये फॉल्ट अभी हमने आपको बताया, एक तो चाबी को प्रॉपर से फेंक नहीं पाता है ताकि जिससे हल्की साउंड आती रहती है, दूसरी कपलर काम ही नहीं करता है ठीक से। तो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट्स करके हमें बताएं, और आपके हारमोनियम में और किस तरह की प्रॉब्लम है वो भी आप हमें बता सकते हैं ताकि हम उस पर एक नई वीडियो लेकर आएँ। तो अगली वीडियो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।